एक भक्त था जिसका नाम था जिम्मा मोर। जिम्मा मोर एक डाकू था, लेकिन वो माँ का भक्त कैसे बना, आइए आपको बताते हैं। चलो चतुरैया। ओए माता दे मंदिर विच डाका मारना है पापिया। डाकू दा काम है डाका मारना। सामो चतुरैया खजाना, तू कौन है? मैं, ओए मैं ते माता दे मंदिर दा सेवादार हां। ओए माँ दे कहर तों डर, जदों माँ चंडी रूप धार लैंदी है ना तां तेरे वर्गे पापियां नूं चुण चुण के मार दी है। सरदारा ए लगदा कोई ज्यादा ही बोलदा है। पापां दा घड़ा जदों एक वारी भर जांदा है ना तां ओहदे उत्ते पत्थर मारन दी जरूरत नहीं पैंदी, घड़ा अपने आप ही टुट जांदा है। माँ दे कहर तों डर। ओ जे जीना चाहुंदा बणदा जट जीना मोड़ अगे सिर झुका के गल कर। सिर ते तैनूं झुकाना पैगा पापिया, एक दिन माँ नैणा देवी दे चरणा उत्ते। चलो अपना काम कर। हट बजे चलो लंघिया। आया सरदार। हो गया है सरदारा, कोई भैड़ा सुपना देखिया? नहीं ओ चतुरैया, मैं लगता माता के मंदिर से डाका मार के बहुत बड़ी पुल हो गई। जय माँ नैना देवी। माँ नैना देवी मेरे गुनाह माफ कर, माँ माफ कर, माँ माफ कर। तेनू आख्या सी ना एक ना एक दिन तेनू माँ नैना देवी दे चरणा ते झुकना ही पैना है। ये माँ नैना देवी दा दरबार है, माँ बड़ी दयालु है, तेरिया सारिया दुखां दा अंत हो जावेगा। माँ बड़ी दयालु है। माँ अब तो बाद जट जीना मोर जिन्हें भी डाके मारेगा उसका दसवां हिस्सा माँ तेरे चरणा चढ़ावेगा। जय करो माँ नैना देवी को। और जीना मोर माँ का भक्त बन गया। एक दिन जीवना मोड़ छत्र चढ़ाने के लिए माँ के मंदिर गया। पुलिस को इस बात की भनक लग गई। पुलिस ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। से कहने लगा, माँ मेरी रक्षा करो। माँ ने कहा, हे जीवना मोर तुम पहाड़ी से कूद जाओ, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना।
लेकिन उसके मन में अहंकार आ गया। उसने पीछे मुड़कर देख लिया और वो वहीं पर मर गया। भगत जनों, यह समाधि जीवना मोड़ की है। आज तक लोग जीवना मोड़ की समाधि के दर्शन भी करते हैं। बखा दे मा मेरे बिगड़े काम बना दे मा तेरे दर ते सीस झुकाया मा झोली विच खैरा पा दे मा बटके नूरा बखा दे मा मेरे बिगड़े काम बना दे मा तेरे दर ते सीस झुकाया मा झोली विच खैरा पा दे मा मेरी विनैया तार दे कोई ऐसा मंत्र मार दे मेरी बिनैया तार दे कोई ऐसा मंत्र मार दे मेरी बिनैया तार दे कोई ऐसा मंत्र मार दे मेरी बिनैया तार दे कोई ऐसा मंत्र मार दे भटके नूरा बखा दे मा मेरे बिगड़े काम बना दे मा तेरे दर ते सीस झुकाया मा चोली बिच खैरा पा दे मा तेरे भक्त तेरे दर आंदे ने सब दिल दा हाल सुनांदे ने तेरे भक्त तेरे दर आंदे ने सब दिल दा हाल सुनांदे ने आसा दा फूल मुरझाए ना कोई खाली मुड़ के जाए ना तू पर बर मुठिया मार दे मां ऐसा मंत्र मार दे पटके नूरा बखा दे मां मेरे बिगड़े कम बना दे मां तेरे दर ते सीस झुकाया मां चोली बिच खैरा पा दे मां महमा गाउंदे ने ओ पव सागर तर जांदे ने हाँ जो तेरी महमा गाउंदे ने ओ पव सागर तर जांदे ने मैनू भी दरस बखा माता चरणा नाल मन ला माता मेरे भी काज सवार दे मां ऐसा मंत्र मार दे पटके नूरा बखा दे मां मेरे बिगड़े कम बना दे मां तेरे दर ते सीस झुकाया मां चोली विच खैरा पा दे मां मेरी विनैया तार दे कोई ऐसा मंत्र मार दे बखा दे मा मेरे बिगड़े काम बना दे मा तेरे दर ते सीस झुकाया मा चोली विच खैरा पा दे मा भटके नूरा बखा दे मा मेरे बिगड़े काम बना दे मा तेरे दर ते सीस झुकाया मा चोली विच खैरा पा दे मा। रात्रि के समय माँ के विश्राम के लिए सेज सजाई जाती है। तदउपरांत सेज आरती होती है जिसमें पंडित गण ही सम्मिलित होते हैं एवं फ्रूट बर्फी दूध का भोग।
बंद कर दिया जाता है ताकि महामाई विश्राम कर सके और फिर से अपने दर्शनों से भक्तजनों को अगले दिन निहाल कर सके। जय भाला म्यूजिक कंपनी की पेशकश संपूर्ण इतिहास माँ नैना देवी में हम सब की तरफ से कोई त्रुटि या गलती हो गई हो तो कंपनी के मालिक अनिल कुमार चौहान क्षमा प्रार्थी हैं। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे और हम सबको आगे बढ़ने की शक्ति दे।